विधानसभा चुनाव में पहले चरण के लिए 71 सीटों पर मतदान हो रहा है, जिसमें 2 करोड़ से अधिक मतदाता 1066 उम्मीदवारों की किस्मत पर फैसला करेंगे। कोविड-19 के बीच हो रहे चुनाव के मद्देनजर निर्वाचन आयोग ने सुरक्षित मतदान के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा निर्देशों के तहत एक मतदान केंद्र में मतदाताओं की संख्या 1600 से घटकर 1000 कर दी गई है। साथ ही 80 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को सैनिटाइज करना, मतदान कर्मियों के लिए मास्क और सुरक्षा सामग्री और थर्मल स्कैनर, हैंड सैनिटाइजर, साबुन और पानी उपलब्ध कराना शामिल है। निर्वाचन आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पहले चरण में 2.14 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसमें से 1.01 करोड़ महिलाएं और 599 तृतीय लिंगी है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों में 952 पुरुष और 114 महिलाएं हैं। गया शहर सीट पर सबसे अधिक 27 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि बांका जिले की कटोरिया सीट पर सबसे कम 5 उम्मीदवार हैं। पहले चरण की 71 सीटों पर हो रहे चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जदयू 71 में से 35 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि उनकी सहयोगी भाजपा 29 सीटों पर चुनाव समर में है। विपक्षी राजद 42 सीटों पर और कांग्रेस 20 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी 41 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जिसमें से 35 सीटें वैसी हैं जहां से जदयू चुनाव लड़ रही हैं।